गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बलौदा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बलौदा बाजार भाटापारा जिले में रेप के दोषी को जैसे ही 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, चंद घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से कैदी के मौत की आशंका है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसके बाद ही मौत की सही वजहों का पता चल सकेगा। कैदी हीरालाल पटेल बलौदा बाजार उप जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार गिरौदपुरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेली के रहने वाले हीरालाल पटेल पर इसी साल सितंबर में अपहरण और रेप का केस दर्ज हुआ था। नाबालिग लड़की के रेप के मामले में हीरालाल के खिलाफ अपराध क्रमांक 225/19 और धारा 363, 366, 376 और 34 एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे न्यायिक हिरासत जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन 3 महीने बाद उसे जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद स्पेशल पॉक्सो अदालत में मामले का ट्रायल चल रहा था। बुधवार को ट्रायल के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हीरालाल को दोषी करार दिया गया। उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद उसे उपजेल बलौदा बाजार में निरुद्ध किया गया, जहां उसकी अदालत से जेल दाखिल करने के चंद घंटों के अंदर ही मौत हो गई। तबीयत अचानक खराब हो जाने पर उसे जेल से बलौदा बाजार जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। इधर कैदी हीरालाल पटेल की मौत पर मृतक के परिजनों ने शंका जाहिर करते हुए मामले की न्यायिक जाँच के लिए मांग की है। वही जेल प्रबंधन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल सकेगा कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है या फिर कोई वजह रही।